तीन वीडियो को डिस्कस कर लिया है मतलब सेट वन सेट टू सेट थ्री को देखना है तो आप इसी चैनल के प्ले में जाए और वहां पर आपको मिलेगा एक यूपी स्पेशल का प्ले लिस्ट वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे तो चलिए अपने देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स बता दूं कि ये सेट फोर आज का है जी फ्रेंड्स ये सेट फोर है जो कि आप देख भी रहे होंगे तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है फर्स्ट क्वेश्चन है कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है जिया फ्रेंड्स फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है तो आपके जो विकल्प है वो इस प्रकार है पहला आपका है मध्य प्रदेश दूसरा है आपका उत्तराखंड तीसरा है आपका बिहार चौथा है आपका उत्तर प्रदेश तो आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा तो जो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश या फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश तो कुछ बता दो इसके बारे में कि जो फुल्लर झील है जिसे हम लोग पंगैती फुल्लर ताल या गोमत ताल भी कहते हैं और ये यूपी के पीलेबीत में स्थित है और फ्रेंड्स जो गोमती नदी है जो फ्रेंड्स जो आपकी गोमती नदी है वो इसी झील से निकलती है मतलब जो आपकी गोमती नदी है वो फुलर झील से निकलती है तो आपको ये भी साथ में याद रखना है और फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो आपकी गोमती नदी है ये पीलीभीत से निकलती है और लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर के रास्ते होते हुए ये गाजीपुर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स गाजीपुर में एक जगह है सैदपुर तो वहीं पर जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है तो फ्रेंड्स ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी नदी को लेके तो फ्रेंड्स फर्स्ट का जो राइट right आंसर है वो है डी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है जय फ्रेंड्स आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है तो आपके जो विकल्प हैं फेमस प्रकार हैं पहला है आपका कमल दूसरा है आपका पलाश तीसरा है आपका गुलाब चौथा है आपका चमेली तो बताइए इसका राइट right आंसर क्या होगा कमल होगा पलाश होगा गुलाब होगा या चमेली होगा तो अब तक हो सकता है आप राइट right आंसर तक पहुंच गए हो तो बता दूं इसका जो राइट right आंसर है वो है सेकंड का बी या फ्रेंड सेकंड का बी पलाश इज द राइट आंसर चलिए कुछ बता दूं उसके बारे में अगर हम बात करें इसके इंग्लिश नाम की मतलब पलाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जहां फ्रेंड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसका हिंदी नाम है पलाश और इसे टेसू के नाम से भी जाना जाता है बात करें इसके वैज्ञानिक नाम के तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जी फ्रेंड्स ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं उसके बारे में कि जब आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य एक में था तब उस टाइम पर उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प था वो आपका ब्रह्म कमल था जब फ्रेंड्स उस टाइम पे यूपी का जो राजकीय पुष्प था वो ब्रह्म कमल था लेकिन जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जब राज्य विभाजन हो गया तो उस टाइम पे जो ब्रह्म कमल था वो तो उत्तराखंड में चला गया और जो आपका पलाश था वो आपका उत्तर प्रदेश में हो गया तो फ्रेंड्स आपको साथ में ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड और यूपी के विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प चेंज हो गया पहले ब्रह्मकमल था बाद में पलाश हो गया तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है तो जो सेकंड का राइट आंसर है वो है बी चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे तो फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन हाँ पर है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है या फ्रेंड्स आपको बताना है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहां पर है आगरा में है ग्वालियर में है खुर्जा में है या फिरोजाबाद में है तो आप वहां पर सही विकल्प का चयन करना है आगरा में है ग्वालियर में है खुरजा में या फिरोजाबाद में है तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वो है सी कहाँ पर है खुरजा में है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं कौन कौन से हो आगरा कानपुर है इलाहाबाद आगरा है कानपुर इलाहाबाद है या कानपुर मेरठ है तो आपको सही विकल्प कौन सा है आपको सही विकल्प का चयन करना है। आगरा कानपुर होगा इलाहाबाद आगरा होगा कानपुर इलाहाबाद होगा हो तो है है का आगरा, आगरा और कानपुर जो है उत्तर प्रदेश के दो ऐसे जिले हैं जहां पे चमड़ा उद्योग काफी एक बड़े स्तर पे होता है तो फ्रेंड्स जो फोर्थ का राइट आंसर है वो है ए आगरा और कानपुर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थापित किए गए हैं तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थापित किए गए हैं तो आपके विकल्प इस प्रकार है पहला आपका नोएडा व कानपुर दूसरा कानपुर व लखनऊ तीसरा मेरठ व गाजियाबाद चौथा है नोएडा व आगरा तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फिफ्थ का ए क्या है नोएडा व कानपुर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश में निम्न निम में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है अभी बताना आपको यहां पर कि यूपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है पहला आपका कानपुर दूसरा है इलाहाबाद जिसका नाम अभी प्रयागराज हो गया है तीसरा है मथुरा चौथा है इनमें से कोई नहीं बताइए कानपुर होगा इलाहाबाद होगा मथुरा होगा या फिर ऑप्शन डी होगा बताइए इसका राइट right आंसर क्या है तो फ्रेंड्स ये आपको इसका जो आंसर पता होगा आई होप पता होगा तो इसको राइट आंसर वो है सिक्स का सी यानी मथुरा फ्रेंड्स मथुरा है वहां पे सबसे कम वर्षा होती है और यूपी का जो रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी जो आपका प्लांट है वो आपका मथुरा में स्थित है और इस ऑयल रिफाइनरी प्लांट के कारण वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और जो आगरा में स्थित ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ा जा रहा है इसी रिफाइनरी के कारण तो जो सिक्स का राइट right आंसर है वो है सी सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर और है कि यूपी के निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है अभी आपको बताना है कि सबसे ज्यादा वर्षा यूपी के किस जिले में होती है तो आपके जो विकल्प इस प्रकार है पहला आपका है सहारनपुर दूसरा है गोरखपुर तीसरा है मथुरा चौथा इनमें से कोई नहीं तो आप अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा वर्षा यूपी में किस जिले में होती है सहारनपुर में होती है गोरखपुर में होती है मथुरा में होती है या फिर ऑप्शन डी सही है इसका तो फ्रेंड्स बता दो जो सेवंथ का राइट आंसर है वो है बी क्या है मतलब गोरखपुर तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है जो गोरखपुर वाले होंगे उनको पता है कि वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है और जो मथुरा वाले होंगे उनको भी पता होगा कि सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है जब फ्रेंड्स संगीत का क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित हैं तो लखनऊ घराने से इलाहाबाद घराने से आगरा घराने से या फिर वाराणसी घराने से तो बताइए किसका आंसर ए होगा बी होगा सी होगा या डी होगा बताइए इसका सही विकल्प क्या है तो बता दूं इसका जो सही विकल्प है वो है एर्थ का डी कहाँ से वाराणसी घराने से या फ्रेंड्स ठुमकी ठुमरी गाय का जो गिरजा देवी है वो वाराणसी घराने से संबंधित है तो एर्थ का डी इज द राइट वन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निन्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है तो आपके जो विकल्प प्रकार हैं पहला आपका झांसी है दूसरा आपका बांदा है तीसरा आपका चित्रकूट है चौथा आपका जालौन है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा झांसी होगा बांदा होगा चित्रकूट होगा या फिर जालौन होगा तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है नाइन्थ का बी क्या है मतलब बांदा बांदा इज द राइट आंसर और फ्रेंड्स बता दो कि चंदेलो द्वारा उसको बनवाया गया था फ्रेंड्स जो कालिंजर का किला है इसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था और यह किला चंदेल वंश के शासक काल की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है तो आपको साथ में यह भी याद रखना अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कालिंजर का जो दुर्ग है वो वो किसको द्वारा बनवाया गया था तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था तो नाइन्थ का बी इज द राइट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी तो आपके जो विकल्प है प्रकार पहला आपका है नौ अगस्त उन्नीस दूसरा है दस जुलाई उन्नीस तीसरा है पांच जून उन्नीस चौथा है बारह मई उन्नीस तो आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है इसका सही विकल्प क्या है ए होगा बी होगा सी होगा या डी होगा तो फ्रेंड्स बता दो कि जो टेंथ का राइट आंसर है वो है ए तो क्या है 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन टकैती की घटना हुई थी और फ्रेंड्स हुबू ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो मतलब एग्जाम के भी लहजे से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी और सेम क्वेश्चन था तो ये मतलब कहने मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप डबल स्टार टेक कर सकते हैं क्योंकि तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो टेंथ का ए है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये yeah फ्रेंड्स मतलब किस जिले में कौन सी नदी बहती है और इस पता नहीं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है और आपको स्पेशली ध्यान रखना कि यहाँ पे नहीं वाला वर्ड पूछा गया है क्योंकि तो जनरली क्या होता है कि हम नहीं वाले वर्ड को ध्यान नहीं देते हैं और अपना आंसर हम लोग गलत करके चले आते हैं तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा तो देखिए वाराणसी गंगा दूसरा है सुल्तानपुर गोमती तीसरा है झांसी यमुना चौथा है अयोध्या सरयू तो बताए इसका राइट आंसर क्या होगा मतलब आपको बताना है यहाँ पे इसमें कौन सा सुमिलित तो नहीं है या फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा इसमें मैच नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी क्या है झांसी यमुना या फ्रेंड झांसी में बेतवा नदी बहती है तो आपको याद रखना है कि झांसी में यमुना नहीं होगा झांसी में बेतवा नदी बहती है और वाराणसी में आपके गंगा बहती है सुल्तानपुर अभी मैंने बताया कि सुल्तानपुर में गोमती नदी बहती है मतलब सुल्तानपुर जो है वो वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है और अयोध्या में आपकी सरयू नदी बहती है तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इलेवेंथ का सी झांसी का वैसे क्या हो जाएगा ये बेतवा हो जाएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है अब आपको बताना यहां पे कि जो गोरखपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं पहला आपका घाघरा है दूसरा आपका गंडक है तीसरा आपका राप्ती है चौदह आपका सरयू है तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है आपको यहां पे दिए हुए ऑप्शन में से सही विकल्प को चूज करना है घाघरा होगा गंडक होगा राप्ती होगा या सरयू होगा तो फ्रेंड्स बता दो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्वेल्थ का सी तो क्या होगा राप्ती इज द राइट आंसर तो जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है दादरी चुनार चुर्क डल्ला फ्रेंड्स एक है डाला लिखा होता है डल्ला लिखा होता है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो बताना ना आपको यहां पर दादरी चुनार चुर्क व डल्ला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं मतलब इन कारखानों से क्या उत्पादन होता है सीमेंट होता है चीनी होता है कागज होता है या फिर उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स होते हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है सीमेंट होगा चीनी होगा कागज होगा या फिर उर्वरक होगा तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो आसानी से दे सकते हैं और आई होप कि अब तक आपने राइट आंसर को सोच लिया होगा तो फ्रेंड्स बता दो कि जो तेरा का राइट आंसर है वो है ए यानी सीमेंट इज द राइट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो अगला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है तो आपके जो विकल्प है वो इस प्रकार है पहला आपका है कानपुर दूसरा है धामपुर तीसरा है रामपुर चौथा है लखनऊ तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा कानपुर होगा धामपुर होगा रामपुर होगा या फिर लखनऊ होगा और फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन है तो हमें आता है तो सारे आसान ही होंगे फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आसान क्वेश्चन में ही ज्यादा गलती होती है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा ए होगा बी होगा सी होगा या डी होगा तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है चौदह का डी यानी लखनऊ तो लखनऊ इज द राइट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि भारत के निम्न में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है आपको बताना है देखिए जनजाति से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं तो बताइए यहाँ पे कि भारत के निम्न में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार हैं पहला है आपका बिहार और मध्य प्रदेश दूसरा है झारखंड और मध्य प्रदेश तीसरा छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश चौथा है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए होगा बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा और आई होप कि अब तक आप राइट आंसर तक पहुंच गए होंगे क्योंकि तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं क्योंकि तो आपने इसको पढ़ा भी होगा और आपको आई होप पता भी होगा तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंद्रह का डी यानी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश जी हाँ फ्रेंड्स उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश दोनों में आपकी थारू जनजाति पाई जाती है तो ये आपका जो राइट आंसर यहाँ पर डी है अच्छा फ्रेंड्स आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है तो आपको वो बताना है कमेंट करके तो बताइए कि यूपी के किस जिले में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं तो आप इसको कमेंट करके बताइए तो जो पंद्रह का राइट आंसर है वो है डी यानी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी अब आपको बताना है कि यूपी की पहली जो लेडी सीएम थी वो कौन थी तो आपके जो विकल्प इस प्रकार हैं देखिए मायावती दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित तीसरा है तारकेश्वरी सिन्हा चौथा है सुचिता कृपलानी तो बताना है कि राइट आंसर क्या होगा ए होगा बी होगा सी होगा या डी होगा और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर को तुरंत पहचान गए होंगे कि क्या होगा अदरवाइज इसके आंसर में आप घूम जाएंगे तो बता दूँ फ्रेंड जो सोलह का राइट आंसर है वो है डी तो जो फर्स्ट सीएम थी यूपी की उनका नाम था सुचेता कृपलानी इसे बता दूं कि अभी तक टोटल जो दो महिलाएं सीएम हुई हैं एक तो आपकी मायावती हैं एक आपकी सुचेता कृपलानी हैं तो दो लोग हैं जो लेडी सीएम हुई हैं और सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी सुचेता कृपलानी तो सोलह का राइट आंसर है वो है डी फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गी गी। कि डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है तो फ्रेंड्स बताना है आपको यहाँ पे कि ऐसा कौन सा मेला है जो मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है और जिस त्यौहार को लोग धूमधाम से मनाते हैं तो बताना है कि वो मेला कौन सा है तो कुंभ मेला या फ्रेंड्स कुंभ मेला दूसरा आपका नौचंदी मेला तीसरा है आपका गंगा मेला चौथा आपका सीकरी मेला बताइए कुंभ मेला होगा नौचंदी मेला होगा गंगा मेला होगा या फिर सीकरी मेला होगा तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सत्रह का बी जी हाँ फ्रेंड्स सत्रह का बी इज द राइट आंसर तो क्या होगा नौचंदी मेला जी हाँ फ्रेंड नौचंदी मेला आपके मेरठ में धूमधाम से मनाया जाता है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो आपको बताना है यहां पर कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो है तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार हैं पहला आपका द्वारिका प्रसाद दूसरा आपका विशन नारायण तीसरा आपका रघुपति सहाय चौथा आपका नवल किशोर तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा द्वारिका प्रसाद होगा विशन नारायण होगा रघुपति सहाय होगा या फिर नवल किशोर होगा तो फ्रेंड्स बता दो इसका जो राइट आंसर है आप क्या गेस कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा तो फ्रेंड्स अब तक आई होप आपने गेस कर लिया होगा तो बता दो इसका जो राइट आंसर है वो है वो का का सी या का सी फ्रेंड्स रघुपति जो सहाय है, है तो रघुपति सहाय इज द राइट आंसर तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है उनका नाम है रघुपति सहाय जी तो अट्ठारह का सी एकदम सही जवाब है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था तो किसके द्वारा करवाया गया था अकबर के द्वारा करवाया गया था क्या शाहजहां के द्वारा करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था या फिर दारा शिकोह के द्वारा करवाया गया था तो आपको यहां पे सही विकल्प को पकड़ना है और आपको बताना कि सही विकल्प यहां पर क्या होगा ए होगा बी होगा सी होगा या डी होगा और आई होप कि अब तक आप राइट आंसर तक पहुंच गए होंगे तो जो 19 का जो राइट आंसर है वो है बी तो क्या है शाहजहां इज द राइट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई आपको बताना है यहां पर है कि यूपी के किस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई तो आपके जो विकल्प है वो इस प्रकार है पहला है आपका प्रयागराज दूसरा है आपका आगरा तीसरा है आपका गाजियाबाद चौथा आपका लखनऊ तो यू हैव टू तो चूज द राइट ऑप्शन प्रयागराज होगा आगरा होगा गाजियाबाद होगा या फिर लखनऊ होगा तो आई होप कि आपको राइट आंसर मालूम चला होगा पता चल गया होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा तो जिसका राइट आंसर है वो है ट्वेंटी का सी यानी गाजियाबाद गाजियाबाद एकदम सही विकल्प यहां पर है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इस प्रकार है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश की किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है आपको बताना है कि यूपी के किस जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार रहे हैं पहला आपका प्रयागराज दूसरा है आपका आगरा तीसरा है आपका गाजियाबाद चौथा है आपका रामपुर तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है प्रयागराज होगा आगरा होगा गाजियाबाद होगा या फिर रामपुर होगा तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है तो बता दू इसका जो राइट आंसर है वो है ट्वेंटी वन का जो एकदम सही जवाब है वो है रामपुर चल फ्रेंड्स डी एकदम सही है रामपुर और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रामपुर में क्या फेमस है तो फ्रेंड्स जो रामपुर है वो चाकुओं की नगरी बोली जाती है क्योंकि आपने कई बार मूवी देखना हो देखा होगा ना अमिताभ बच्चन की मूवी में कि रामपुरी चाकू है ना और कोल्हापुरी चप्पल तो रामपुर के चाकू फेमस हैं तो इसलिए रामपुर को ना चाकुओं की नगरी कहते हैं और जैसे आपका ताला की नगरी किसको कहते हैं ताला की नगरी आपकी अलीगढ़ कहलाती है तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछ सकता है तो रामपुर आपका किसके चाकुओं के लिए फेमस है और जो आर्यभ्ट नक्षत्रशाला है वो आपकी रामपुर में ही है तो ट्वेंटी वन का जो डी है एकदम सही जवाब यहाँ पर है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उन्नीस अंतर्निहित है तो किसमें है पांचवी अनुसूची में है सातवीं अनुसूची में, में है नवी अनुसूची में है या फिर दूसरी अनुसूची में है तो बताया इसका राइट आंसर क्या होगा पांचवी होगा सातवीं होगा नवी होगा या फिर दूसरी होगा आपको यहां पे सही विकल्प को पकड़ना है तो बता दो जो राइट आंसर है वो है ट्वेंटी टू का सी जब फ्रेंड्स ट्वेंटी टू का सी क्या है नवी अनुसूची या फ्रेंड्स नवी अनुसूची तो ट्वेंटी टू का जो सी एकदम सही जवाब है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन यहां पर है कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण प्रदेश के किस जिले में स्थित है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है पहला आपका लखनऊ दूसरा आपका बहराइच तीसरा आपका प्रयागराज चौथा आपका बांदा तो बताना है कि सही विकल्प क्या है और सही विकल्प का चुनाव करना है आपको तो लखनऊ होगा बहराइच होगा प्रयागराज होगा या फिर आपका बांदा होगा तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो 23 का राइट आंसर है वो है डी तो इसका मतलब क्या हो राइट आंसर आपका बांदा हुआ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार हैं तो पहला आपका है मथुरा दूसरा आपका है अलीगढ़ तीसरा है आपका नरोरा चौथा आपका सिंगरौली तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है मथुरा होगा अलीगढ़ होगा नरोरा होगा या फिर सिंगरौली होगा तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्वेंटी फोर्थ का सी क्या है नरोरा अच्छा फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि नरौरा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है तो इसका जो राइट आंसर हो वो हो जाएगा बुलंदशहर या फ्रेंड्स बुलंदशहर आपका बुलंदशहर में आपका नरौरा आता है तो ट्वेंटी फोर्थ का राइट right आंसर जो है वो है सी चलते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पे तो फ्रेंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो है संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है आपको बताना है कि संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं पहला आपका बहराइच दूसरा है आपका अलीगढ़ तीसरा है आपका लखनऊ चौथा है आपका बाराबंकी तो आपको दिए हुए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है बहराइच होगा अलीगढ़ होगा लखनऊ होगा या बाराबंकी होगा तो फ्रेंड्स काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पच्चीस का डी यानी बाराबंकी एकदम सही है और बाराबंकी जो आपका है ये लखनऊ के पास का ये इलाका है तो जो संत वारिश अली शाह की जो दरगाह है ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है तो फ्रेंड्स बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा सो फ्रेंड्स लास्ट में बता दे रहा हूँ कि चैनल को आप लाइक करना है uh, वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें थैंक यू सो मच जय हिंद वंदे मातरम